नमस्कार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हो उभरता झारखंड। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक मुख्य उद्देश्य से मैं आपके साथ आया हूँ। जिस तरह से हमारे झारखंड के अंदर में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस तरह से जनप्रतिनिधि अर्थात जिसे आप चुनते हैं वही आपको ढूंढते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे आपके समाज पे, आपके समाज के अंदर में, आपके गांव के अंदर में, आपके पंचायत के अंदर में, आपके राजधानी के अंदर में, आपके जिला के अंदर में बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं और जो लीडरशिप का काम करते हैं, वो खुद को वोट बैंक बैलेंस के चक्कर में खुद को किस तरह से बेचते हैं, खुद को किस तरह से बिकते हैं, आज मैं आप सबको बारीकी से बताऊँगा। शुरू से आम तक वीडियो देखिएगा, हो सकता है मेरा हिंदी सही नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हमें क्यों चाहिए, अर्थात हम जन प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं, ये तो आप बेखूबी से जानते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। हम जन प्रतिनिधि की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारी बातों को आगे तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, अर्थात हम अपनी बातों को सरकार तक पहुँच नहीं पाते हैं, इसीलिए हम अपनी जन प्रतिनिधि अर्थात मुखिया की ज़रूरत होती है, ताकि हमारे गांव के अंदर में, हमारे लोगों के अंदर में सही तरीक़ा से विकास पनप सके, विकास की मुख्य धारा से हम लोगों को जुड़ सके, इसीलिए हमें जनप्रतिनिधि की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं जो हमारे गांव के अंदर में, कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर में, कहीं ना कहीं हमारे जिला के अंदर में, कहीं ना कहीं हमारे राज्य पंचायत के अंदर में, कहीं ना कहीं ये मुखिया खुद को बिक जाते हैं। खुद को कैसे बिकते हैं मैं आपको बताऊँगा। जिस तरह से मान लिया आपके अंदर में, आपके गांव के अंदर में कोई लीडरशिप काम करता है, जब भी किसी तरह का कोई सामूहिक हो या फिर किसी तरह का कोई गैर सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, यदि मान लीजिए आप किसी के अंडर में तो ज़रूर आते हैं, क्योंकि गांव के अंदर में, गांव देहात के अंदर में हर एक कोई एजुकेटेड नहीं होते हैं, और अपनी बातों को अगली स्तर तक अर्थात पंचायत लेवल तक पहुँचने के लिए किसी न किसी ज़रूरत पड़ती है। और मान लीजिए किसी तरह की कोई चीज़ बैठक बुलाती हो या फिर कहीं भी आप जाते हो, जुलूस पे जाते हो या फिर कहीं भी जन सम्मेलन में जाते हो, तो आप कोई ना कोई एक मुख्य लीडर अर्थात लीडरशिप करता है जिसके प्रतिनिधि में आप जाते हैं, और ये खुद कैसे बिकते हैं। मान लीजिए आपके अंदर में कोई MLA या फिर कोई भी आपकी विधानसभा में कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई विधायक का चुनाव प्रतिनिधि के तौर पर कोई खड़ा हुआ है, डायरेक्ट आपके अंदर में या फिर आपके गांव के अंदर में या फिर आपके पंचायत के अंदर में डायरेक्ट वो लीडर से संपर्क करेगा, डायरेक्ट ऊपर लेके जाएगा कि मैं आपको इतना रुपया दूंगा, और आप जितने भी आपके अंडर में जो भी लोग हैं, जो भी वोटर हैं, जो भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग जो भी हैं, उन सबको आप किसी तरह से कन्विंस कीजिए, किसी तरह से कन्विंस करके आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छाप में, हमारे तरफ आकर्षित करने की आप कोशिश कीजिए। और खुद जो भी लीडरशिप करते हैं वो यही काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके, क्योंकि पहले से उनको पता था उसकी जितने भी क्रिया देख करके, काम तमाम चीज़ें देख करके, उस पर बिलीव करके, उस पर विश्वास करके, उनसे सारे लोगों अपनी ओर खींच जाते हैं। और ये बंदा जो लीडरशिप करता है, जो पैसे के चक्कर में या फिर प्रतिनिधि उस चुनने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जो भी MLA आपके विधानसभा के अंदर में जो भी चुनते हैं या फिर जो भी खड़े होते हैं, उसी पर वोट देने के लिए कहा जाता है कि फलाना नाम हमारे लोगों का, हमारे गांव के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि खड़ा है, हमें इसी ही वोट देना है। बल्कि आप सबको पता नहीं चलेगा, या फिर कहीं कहीं गांव में तो ऐसे भी होता है, एक बोरा चावल, दो डब्बा हणिया, और कहीं कहीं पैसा 100 रुपये, 200 रुपये, 10-20 रुपये पकड़ा देता है कि बाबू हमारे ही वोट पर, हमारी छाप पर आप देना है, फलाना तारीख को वोटिंग होगी, आप जितने भी आपके लोगों से आएंगे उसको किसी तरह से कन्विंस करना, ये मामला है। और ऐसा ही वोट बैंक बैलेंस के चक्कर में कई लोग ठकने का काम करते हैं, खुद को ठक जाते हैं और खुद को ठका हुआ महसूस करके 70 साल पीछे का हो या फिर 21 साल पीछे महसूस करते हैं, मामला ये है। और आज भी हमारे गांव के अंदर में, आज भी हमारे आदिवासी बहुल इलाके में ऐसा ही होता है, और खुद को जो भी लीडरशिप करते हैं, खुद को गाँव की जनप्रतिनिधि, खुद को चंद पैसों के लिए अपनी इनामी तो बेच ही जाते हैं, अपनी जो भी अपनी महान समानता है वो तो किसी को पता तक नहीं चलता कि चुपके से उसके पास पैसा भेज देता है या फिर किसी के थ्रू से पैसा भेज देता है, और चुपके से किसी को पता नहीं चलता है, और गांव के अंदर में ये ठग पसोड़ ऐसा ही निरंतर चलते रहा है, और जिसकी वजह से लोगों को कल की तारीख में खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और
हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा ही होता है। खुद को जनप्रतिनिधि गांव के अंदर में जो लीडरशिप करता है, जो खुद, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वोटर है, ऑलरेडी उसके पास लोगों की समीपता है, ऑलरेडी उसके पास लोगों की झुंड है, और उसकी बातों को आसानी से कन्विंस करके, आसानी से समझ करके वो जो भी विधायक खड़े हैं या फिर जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उसकी तरफ से आकर्षित होने का चांसेस यही होती है। और कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा करने में, अर्थात वोटिंग वोट को इकट्ठा करने में इसी का मसला, इसी का फंडा ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं ना कहीं एक दो पैसे के लिए, कहीं ना कहीं दो दिन की चंद पैसों के लिए जनप्रतिनिधि खुद को बिक जाते हैं और गांव के लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगे, हमारा उभरता झारखंड में ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी चीज़ों से मैं आपको अवगत कराऊँगा। देखते रहिए उभरता झारखंड।